सबसे पहले बात होगी चंडीगढ़ से बड़ी खबर की। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की हुई ताजपोशी। राजा वडिंग को कांग्रेस इकाई का प्रमुख बनाया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष भारत भूषण आशु ने भी कार्यभार संभाला है। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस भवन में ये कार्यक्रम हुआ। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की चंडीगढ़ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आधिकारिक रूप से ताजपोशी हुई। देखिए, ऐलान तो पहले ही हो गया था, लेकिन ताजपोशी आज हुई है। मुक्तसर जिले के गिद्दड़बाहा निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार के विधायक और पूर्व परिवहन मंत्री 44 साल के वडिंग को 9 अप्रैल को कांग्रेस की राज्य इकाई का प्रमुख बनाया गया था। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू की जगह ली है, जिन्होंने हाल ही में पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद इस्तीफा दे दिया था, या फिर यूं कहें कि आला कमान ने इस्तीफा मांग लिया था। कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष भारत भूषण आशु के साथ वडिंग ने कार्यभार संभाला है। लेकिन उम्मीद तो बहुत थी कांग्रेस को कि पंजाब में सत्ता में वापसी होगी, लेकिन सत्ता में वापसी नहीं हुई तो आला कमान ने इस्तीफा मांग लिया नवजोत सिंह सिद्धू समेत 5 राज्यों के अध्यक्षों से। और इसी कड़ी में अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की ताजपोशी आज हुई है। और मेरे सहयोगी ईशा ठाकुर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। ईशा, राजा वडिंग ने कार्यभार को संभाल लिया है, लेकिन आगे चुनौती बहुत ज्यादा है उनके लिए। जरूर की गई जिस तरीके से मनमुटाव चल रहा था अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में, लेकिन उस मनमुटाव को किनारे करते हुए जो पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान है नवजोत सिंह सिद्धू 10 मिनट के लिए जरूर पहुंचे, लेकिन पहुंचे जरूर। और यहां पर देखिए, कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं उनका भी यही मानना है कि कांग्रेस में इस वक्त एकजुटता की कमी है, और जो राजा वडिंग अमरिंदर सिंह राजा वडिंग है उनकी जो राह है वो आसान नहीं, काफी कठिन है। कठिन इसलिए यहाँ पर देखने की कोशिश होगी उनकी तरफ से कि किस तरीके से सभी नेताओं को एकजुट। ईशा, मैं एक बार फिर चाहूंगी, जरा एक बार फिर से बताइएगा कि ताजपोशी के दौरान कौन कौन मौजूद रहा। बिल्कुल ईशा, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? 8:30 सुबह का कार्यक्रम आज यहाँ पर तय था पंजाब कांग्रेस। जी ईशा, अपनी बात पूरी करिएगा। ईशा जी बिल्कुल, दीपिका पहुंच रही है। देखिए, सुबह का आज कार्यक्रम था। जी बिल्कुल, देखिए सुबह का कार्यक्रम था यहाँ पर पंजाब कांग्रेस का, सुबह 8:30 का, और ताजपोशी का ये कार्यक्रम था अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और जो कि नव नियुक्त प्रधान बनाए गए हैं पंजाब कांग्रेस के, उनके अलावा वर्किंग प्रेसिडेंट भारत भूषण आशु बनाए गए हैं। उन दोनों की तरफ से पदभार संभाला गया। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी यहाँ पर मौजूद रहे, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद रहे। और यहाँ पर देखिए, ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उन्होंने सभी को चौंका दिया। 10 मिनट के लिए जरूर पहुंचे दीपिका, लेकिन यहाँ पर आके उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को। नवजोत सिंह सिद्धू ने मीडिया के पक्ष भी बयान दिया है कि उनकी जो लड़ाई है कांग्रेस के संगठन के खिलाफ नहीं है, बल्कि माफियाओं के खिलाफ है। जिस तरीके से पंजाब में माफियाओं का बोलबाला है, उनके खिलाफ उनकी लड़ाई है। और उनकी तरफ से एक आरोप यहाँ पर जरूर लगाए गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कि माफियाओं के खिलाफ कोई एक्शन यहाँ पर नहीं लिया गया, यही वजह है कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर देखिए, कांग्रेस की तरफ से एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई। मौजूदा सभी कांग्रेसी विधायक यहाँ पर मौजूद रहे, पूर्व विधायक भी यहाँ पर आए थे। पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी जरूर यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन सुनील जाखड़ जो कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो यहाँ पर नहीं पहुँचे थे, क्योंकि उन्हें जो कांग्रेस आला कमान की तरफ से भी नोटिस जारी किया गया था। और ऐसे में कारण बताओ नोटिस जो जारी हुआ था, 7 दिनों की मोहलत सुनील जाखड़ को दी गई थी, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, यही वजह है कि वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। इसके अलावा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे आप मनीष तिवारी की बात कर लीजिए या फिर प्रताप सिंह बाजवा की, ये तमाम वो नेता हैं जिनका कहना है कि इस वक्त कांग्रेस को एकजुट होकर चलने की जरूरत है। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग एक युवा चेहरा है, पहले वो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, लेकिन जो अब की राह है कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। ईशा, इससे ही जुड़ा हुआ मेरा सवाल है आपसे, इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि बार-बार वाकई में एक युवा चेहरा है अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का, और ऐसे में अगर कांग्रेस की बात की जाए पंजाब में ही, तो उनसे भी
काफी सीनियर विधायक और लीडर वहां पर हैं। हमने इससे पहले देखा कि सबसे ज्यादा जो कमी देखने को मिली थी, एकजुटता और सामंजस्य की कमी देखने को मिली थी। ऐसे में आगे आने वाले समय में राजा वडिंग के लिए बहुत बड़ी चुनौती ये होगी कि सामंजस्य भी बिठाया जाए और अपने और बड़ों को साथ लेकर उनके साथ काम किया जाए। और जो कि जैसे कि पंजाब की अगर बात की जाए तो कांग्रेस एक समय पर, अभी हाल ही की बात कर लें, चुनाव से पहले या फिर चुनाव के दौरान, तो जिस तरीके से बिखरी हुई कांग्रेस नजर आई थी, उस बिखरी हुई कांग्रेस को एकजुट करना बहुत बड़ी चुनौती राजा वडिंग के लिए होगी यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए ताजपोशी, देखिए जब कांग्रेस आला कमान की तरफ से इनके नाम की अनाउंसमेंट की गई थी पंजाब कांग्रेस के नए प्रधान के तौर पर, उसके माना जा रहा है कि तुरंत बाद जो पदभार है राजा वडिंग संभाल लेंगे, लेकिन उन्होंने पूरा एक सप्ताह लिया। ये सप्ताह इसलिए लिया पदभार संभालने के लिए, जो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो नाराज चल रहे थे या कार्यकर्ता हैं, सभी के साथ उन्होंने उनके घर पर जाके मुलाकात की और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रूठे हुए नेता थे उन्हें मनाने की उनकी तरफ से कोशिश की गई। लेकिन देखिए जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू का पहले भी जिक्र कर रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने की बहुत कोशिश की थी अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने उनसे कोई मुलाकात नहीं की। लेकिन आज के कार्यक्रम की अगर बात करें, नवजोत सिंह सिद्धू जरूर पहुंचे और उनकी तरफ से शुभकामनाएं यहां पर दी गई है और यहां पर बहुत बड़ी चुनौती है राजा वडिंग के लिए। देखिए आज की जो तस्वीर, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कोशिश की थी, उस दौरान उन्होंने मुलाकात नहीं की और एकदम से नवजोत सिंह सिद्धू ने पहुंचकर सभी को चौंका दिया, ये क्या संकेत देता है फिर? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर हम बात करें नवजोत सिंह सिद्धू की, जिस तरीके से पहले प्रधानगी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और कैप्टन अमरिंदर सिंह को सत्ता से हटाया, उसके बाद जब चरणजीत सिंह चन्नी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनकी लड़ाई यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी से शुरू हो गई। ऐसे में कांग्रेस आला कमान के पास स्पष्ट संदेश पहुँच चुका था नवजोत सिंह सिद्धू की कारगुजारी को लेकर। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से चुनाव भी हार चुके हैं और पूर्व प्रधान बन चुके हैं और उनकी राह अब कहीं ना कहीं राजनीति की अगर बात करें बहुत ही कठिन है, और क्योंकि बीजेपी उन्हें लेना नहीं चाहती है, ना ही आम आदमी पार्टी लेना चाहती है, उनके पास मात्र एक पार्टी, एक विकल्प है, वो कांग्रेस है। तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू भी बड़ी सूझबूझ के साथ इस वक्त चल रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार उन नेताओं के साथ बैठकें की जा रही थी जो कांग्रेस से इस वक्त नाराज चल रहे हैं। राजा वडिंग से उन्होंने बिल्कुल किनारा कर लिया था जब उनके नाम की अनाउंसमेंट यहाँ पर प्रधानगी के तौर पर हुई थी, लेकिन आज अगर नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर नहीं पहुंचते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान के पास ये संदेश जाता कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो अभी वैसी ही वैसी बनी हुई है। और क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर ये किसी से छिपा नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू में जो मैं की लड़ाई है वो अभी भी है। नवजोत सिंह सिद्धू में कहीं ना कहीं ईगो बहुत ज्यादा है, ये सभी नेता कहते हैं। यही वजह है कि ऐसा माना जा रहा था नवजोत सिंह सिद्धू इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं है इशारा आप ये बता रहे हैं कि अपनी नकारात्मकता छवि को अपने साथ दो नेताओं को सही करने की वजह से नवजोत सिंह सिद्धू इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और सभी को चौंकाया भी है। बहरहाल उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने आज कार्यभार संभाल लिया है, आगे बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने, लेकिन उसको कैसे पार करेंगे वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।